हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और हाँ, रेगुलर कंसिस्टेंसी बरकरार है और रहेगी, 3 दिन तक तो रहेगी, उसके बाद का पता नहीं, मैं कहीं आलस पे चला जाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन 30 दिनों में बिल्कुल बीमार भी ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर ड्रेन एक बार हो गया तो शायद से फिर मेरे को रिकवर करने में टाइम लगे, बट मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता, तो इन चीज़ों को छोड़ते हैं, पर ये बाद में कभी देखेंगे। आज जो मैं लिखा है, जो मास्टरपीस लिखा है, क्योंकि एंड ऑफ द मूवी मेरे को गूज बम्स फील हुए, और ये मेरे साथ बहुत रेयर होता है, मेरा लास्ट शेर शामिल करा था ऐसा फील, या और भी कुछ लिमिटेड मूवीज होती है जिसमें मैं ऐसा रोना या गूज बम्स फील कर पाता हूँ अपने बॉडी पे, तो पर्सनल टच करी है मूवी ने, आओ तो मैं बताता हूँ। और हाँ, तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी का जो पॉइंट है वो है कि वो फ्री है, यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगी, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, बोलोगे तो लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जरूर जाके देखो। तो मूवी का नाम है अंतिम फैसला वेदम, हिंदी डब में तुम्हें मिल जाएगा, और हिंदी डब अच्छा है, तो तुम्हें इतना संतोष करने की जरूरत नहीं कि यार कुछ मिस हो जाएगा, कि नहीं, एक दो गाने हैं शायद जो मिस हो रहे हैं, बट वो भी तुम्हें फील नहीं होगी, चिंता मत करो। और मूवी की शुरुआत से स्टार्ट करने में मेरे को समझ आया था, मैंने इसको पहले भी देख रखा है, मेरा सेकेंड टाइम हो चुका, मेरे को एंडिंग याद आ गई थी, बट सोचो मेरे को एंडिंग याद आ गई है, बट उसके बाद भी जो वो है ना हिट करने वाली बात पूरी स्टोरी, वो हिट नहीं करी, तो मैंने वापस से देखना स्टार्ट किया एज ए न्यू वॉचर। तो मूवी की सबसे बड़ी खासियत गिनाना चाहूँ तो वो ये है कि मल्टीपल स्टोरीज को लेकर चलती है बहुत सिंप्लीफाइड वे में, शुरुआत करती है वो इंट्रो से कि वो सारे कैरेक्टर्स की जो स्टोरी चलाने वाले हैं उनके मेन लीड को 5 मिनट के अंदर कर देते हैं इंट्रोड्यूस, तो भी अच्छा लगता है कि हाँ जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस कर देते हैं और हमें पता चलता है कि बैक स्टोरीज क्या है, वो कहाँ से इस जगह फंसे हुए हैं और क्या सिचुएशन होने वाली है अभी। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा टाइम दिया इंदू अर्जुन की एंट्री पे, क्योंकि तुम्हें पता है वो एक्टर जस्टिफाई करता है इस चीज़ों को, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेम भी हो सकती है, मे बी सबसे ज़्यादा फेम उस टाइम पे अल्लू अर्जुन की, इसलिए। पर मूवी के वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स में ये भी आता है कि मोटिवेशन क्लियर है सब कैरेक्टर की शुरुआत से, कि उन्हें क्या करना है क्यों करना है। ठीक है, वो अलग बात है कि वो अपनी मोटिवेशन को क्लियर नहीं कर पाते कभी, बहुत कम कैरेक्टर्स कर पाते हैं, दो तो बस सही है, सॉरी। और कुरैशी का जब डार्क पास्ट दिखाया जाता है मूवी के अंदर, तुम्हें लगता है कि भाई कुछ होगा या कुछ छोटा मोटा होगा या भाई मर गया होगा ऐसा कुछ, बट जब डार्क पास्ट और डार्क रियलिटी में वो घूमती है जाती है, तो मूवी बहुत डार्क जाती है चीज़ों पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, तो वो जो देखने में समझ आता है रियलिटी ऑफ दी सोसाइटी दिखाने ने मिला है डायरेक्टर, उसको दिखाने के सबके साथ क्या क्या गलत हो रखा है, पर वो फन वाइब को भी कैरी करता है अपने साथ साथ, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स उसने सिर्फ इसलिए डाले कि कुछ फन वाइब रहे मूवी में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञानी चला दिया है। पर मूवी में हमें देखती है वर्ल्ड की मैनिपुलेशन, जो कि तुम आजकल या कभी भी देखो जिंदगी में जियो थोड़ा सा भी, तो तुम्हें पता होगा कि वर्ल्ड कितना मैनिपुलेटिव है, तो तुम्हें पता है कितना मैनिपुलेटिव है, कि अगर तुम्हें चाहिए 10 रुपये तो 5 देगा, और अगर उसे चाहिए होंगे तो वो तुमसे 20 भी ले लेगा, समझ रहे हो। और जब ट्रबल स्टार्ट होना होता है तो सारी स्टोरीज में एक साथ डालते हैं, 3 स्टोरीज में तो धड़ 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 3 स्टोरीज में एक साथ ट्रबल दिखाया जाता है, और फिर क्योंकि और स्टोरीज को भी तुम्हें लास्ट में एक कंक्लूजन पे लाना है, तो वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा पूरी मूवी में कहाँ कंक्लूड होगी, अगर तुम शुरुआत से या बीच मूवी में भी अजम्पशन लगाने की सोचोगे कि क्या कंक्लूजन हो सकता है, तो माई फ्रेंड You are not going to predict the future. सच है। तो मैंने मूवी को जब देखा तो पहले मेरे को लगा मूवी का सेंट्रल पॉइंट है ह्यूमिलिएशन, फिर मैंने ध्यान से सोचा तो फिर एक कैरेक्टर के पूरे स्टोरी आर्क के बीच में एक डायलॉग आता है जो कि जस्टिफाई करता है मेरा जो सोचना है कि सेंट्रल पॉइंट है औकात। तुम देखो जब जेल से बाहर आता है अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर, तो उसको दिखाया जाता है और समझाया जाता है कि इट्स अबाउट औकात, उसकी माँ जो बचे कुछ पैसे हैं अपनी पूरी जमा पूंजी उसके हाथों में रख देती है, और वो भी इतनी नहीं है कि वो एक टिकट का पास खरीद पाए, और वो सपने देखता है उस लड़की को पाने के जो उस टिकट के पास को एज अ नाइट शो यूज़ करती है, समझ रहे हो। और इसको मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा अपने दूसरे पॉइंट से कि जब ये पता चलता है अल्लू अर्जुन को जब शॉक्ड होता है, तो पीछे जो साउंड ट्रैक है ना वो एकदम से चेंज हो जाता है, वो ऐसा बिल्कुल रियलाइजेशन वाला साउंड ट्रैक होता है, और उसके बाद जब दूसरी टाइम भी मिलने जा रहा होता है तो उसके दिमाग में वही चल रहा होता है, और एट द एंड ऑफ द मूवी जब उसको रिस्पेक्ट मिलती है तो दिल भर जाता है थोड़ा सा ये, क्योंकि इतनी देर से कनेक्टेड था ना मूवी से, 2 घंटे की मूवी इसलिए। और जो अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर जब पैसे चोरी कर रहा होता है भाई, उस पूरे सीन में जो इमोशंस हैं भाई लिटरली पीक कर जाते हैं वो इमोशन शुरुआत में, और जो दूसरा हीरो है इस मूवी का उसका जब फाइट सीक्वेंस होता है और वो जब लड़ रहा होता है वो भी बहुत बहुत तोड़ सीन है। और जब वो अल्लू अर्जुन पैसे चोरी कर रहा होता है 40,000 अपने उस पास के लिए, नाइट पार्टी पास के लिए,
और तब हमें दिखाया जाता है उस बूढ़े इंसान और अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर की ट्रेजेडी। एक को बस पास चाहिए रात के लिए और एक की पूरी जिंदगी निर्भर है उस 40,000 पे, समझ रहे हो। और वो मूवी ट्रेजेडी भी खेलती है, किसी की ट्रेजेडी, किसी को कुछ बनना है बट वो बन नहीं पाया कुछ अपनी फॉल्ट्स के चलते, किसी को कहीं कुछ और करना था वो कर नहीं पाया क्योंकि उसकी ट्रेजेडी, सबकी लाइफ की ट्रेजेडी उन सबको एक जगह ला के खड़ा कर देती है एक मोड़ पे आखिर मूवी में। और मूवी बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर देती है कि तुम एक टाइम पे एक इंसान की लाइफ के टर्निंग पॉइंट को रिवर्स कर सकते हो या आगे बढ़ा सकते हो। तो वही इस मूवी में दो कैरेक्टर्स ने किया, जब अल्लू अर्जुन देखता है कि इतनी सारी भीड़ इस कमरे में जो भी है वो मेरे भरोसे है और अगर मैं किसी के और पे ओपिनियन थोप दूंगा या किसी और को सोचने का टाइम दे दूंगा तो शायद से ये कोई ना बचे। और फिर वो जो हीरो सेक्रीफाइस करता जाता था टू को, और वो जो टर्निंग पॉइंट वाली बात है उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हें अपनी लाइफ वहाँ से खुद की टर्न करनी है या तुम किसी और की हेल्प करनी है उस टर्निंग पॉइंट को आगे फॉरवर्ड करनी है, इट्स ऑल योर्स। और जो मूवी का लास्ट सीक्वेंस है रैंपेज सीन, वो बहुत तगड़े आता है, बहुत ज़्यादा। वो जो रश होता है ना मूवी में एकदम से, वो जो रश फील होता है तुम्हें एज ऑडियंस, तुम बैठे बैठे देख रहे होते हो और तुम्हारी आँखें टकटकी बांध के लग जाती है स्क्रीन की तरफ जहाँ मूवी चल रही है, बस वो होती है मूवी में एक पॉइंट जहाँ पर समझ आता है कि किस इंटेंसिटी से लिखा है, दिखाने की सोची हुई है। और वो जो बिना डरे सेक्रीफाइस करना, और जो वो मैंने तुम्हें बताया कि अल्लू अर्जुन और जो दूसरा कैरेक्टर उसने अपनी जो बिना डरे लाइफ सेक्रीफाइस करी है, इस रियली कमेंडेबल गाइस। और रेस्ट करता है तो नहीं, अगर ऐसा कोई है अगर रियल लाइफ बेस्ड, वैसे रियल लाइफ बेस्ड होगी नहीं बट अगर है जो भी लोग सेक्रीफाइस कर देते हैं खुद की जिंदगी को दूसरों के लिए, सल्यूट गाइस। एंड एट लास्ट इट लीव मी विद गूज़बम्प्स विद इट्स लास्ट डायलॉग, जो कि बहुत ज़्यादा हिट किया मेरे को और वो मूवी यादगार बना गई अपने आप को मेरे दिल में थोड़ा सा। हाँ मैं पहले सोच नहीं रहा था मूवी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो जो सच्चा ओपिनियन था मैंने तुम्हें दिया इन दिस रिव्यू फॉर्म। हाँ और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा फिर और किसी खजाने या डायमंड के साथ, तो मैंने चाहिए तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दिन से दुरुस्त रहना और मचाते रहो गाइस, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस वो टर्निंग पॉइंट ढूंढ लेना अपनी जिंदगी का, ठीक है। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी की मदद करनी चाहिए तो ज़रूर करना। बाय बाय।